الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بالصلاة علي وبذكر عمر رضي الله تعالى عنه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الله تبارك وتعالى کا بشمار احسان کہ اس نے इस पुरफितन दौर में हम सबको अपने घर में मस्जिद में जमा होकर वक्त गुजारने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें मस्जिद में बैठकर अल्लाह के और उसके हबीब के प्यारों का जिक्र सजाने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सब को नेकियों की तौफीक अता फरमाए, अपने प्यारों के सदक़े में हम सब को भी अपने प्यारों के अंदर शामिल फरमाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी दूसरे खलीफा मुरादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व मुरीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स के सिलसिले में आज हम सब यहाँ जमा हैं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक शान के हवाले से इंशाअल्लाह इस बयान के अंदर चंद फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ अता फरमाए। जो जो इस महफिल के अंदर शरीक हैं या इसको सुन रही हैं, अल्लाह तबारक व ताला हम सब को फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नसीब फरमाए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जलालत का सदका अल्लाह तबारक व ताला हमें भी रोब व दबदबा अता फरमाए, और वो रोब व दबदबा हमारा वो इस्लाम के काम आए। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने खास बंदों में शामिल फरमाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी महफिलों को अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर और मेरे प्यारे उमर का जिक्र करके मुजय्यन और खूबसूरत बनाया करो। तो पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने से महफिल खूबसूरत बन जाती है, और फारूक आदम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करने से महफिल के अंदर रंग आ जाता है। तो आज हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम के नजराने भी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र भी कर रहे हैं। ये फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसी मुबारक हस्ती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है, हकीरु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन नबीन इल्ला वलहु वजीरानि मिन अहलिस समाई व वजीरानि मिन अहलिल अर्द। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो भी अल्लाह तबारक व ताला का नबी है
उसके दो वजीर आसमानों में होते हैं और दो वजीर दुनिया के अंदर होते हैं, वजीर। फिर आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फअम्मा वजीराया मिन अहलि समाई, इरशाद फरमाया आसमानों के अंदर मेरे दो वजीर फजिब्राइल व मीकाइल, उनमें से एक जिब्रील अलैहि सलाम हैं और दूसरे मीकाइल अलैहि सलाम हैं, ये दो आसमानों में मेरे वजीर हैं। और फिर जमीन के अंदर जो हुजूर अलैहि सलातो सलाम के दो वजीर हैं, हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने उनका तज़किरा फरमाया, इरशाद फरमाया, व अम्मा वजीरा मिन अहलि अर्दी फअबू बकर व उमर, और जमीन के अंदर मेरे जो दो वजीर हैं उनमें से एक अबू बकर हैं और दूसरे फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के जमीनी वजीर हैं, अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपना वजीर बनाया है। और यहाँ पर बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत बात हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं, बड़ी ईमान अफरोज बात है, आप फरमाते हैं कि देखो वजीर होते हैं हाकिम के, वजीर किसके होते हैं? हाकिम के। और वजीर वहां वहां मुकर्रर होते हैं जहां जहां हाकिम की हुकूमत चलती है, जहां जहां हाकिम का सिक्का चलता है उसके वजीर वहीं वहीं मुकर्रर होते हैं। कभी आपने देखा कि वजीर और पाकिस्तान का मुकर्रर किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो? ऐसा नहीं होता। तो फरमाया कि वजीर होते हैं बादशाह के, तो जहां जहां उसकी बादशाहत हो उसके वजीर वहां वहां मुकर्रर होते हैं। तो पता चला नबी अलैहिस्सलाम की जिस तरह बादशाहत आसमानों पर है जमीन पर है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी तरह वजीर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के आसमानों पर भी बनाए हैं और जमीन पर भी बनाए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी बादशाहत अता फरमाई, अल्लाह तआला ने आसमानों में भी आपके वजीर रखे हैं और जमीन में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के वजीर अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं। और जमीनी वजीरों में से दो वजीरों का जिक्र फरमाया, वो वजीर कौन है? एक अबू बकर है और एक फारूक आदम रदी अल्लाह तआला है। और आज हम फारूक आदम रदी अल्लाह तआला का तज़किरा सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। फारूक आदम रदी अल्लाह तआला जब ईमान लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फरकान हमीद की आयत नाजिल फरमाई, सूरह अनफाल आयत नंबर 64। ये ऐसी जलील कदर हस्ती हैं कि जब ये मुसलमान हुए ना, उससे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे, 39। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत फरमाए हुए छठा साल चल रहा था, तो छठे साल तक कितने लोग मुसलमान हुए? 39 लोग। अब इससे ये भी अंदाजा लगाएं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कैसी मेहनत फरमाई है लोगों को कुफर से निकाल कर ईमान की तरफ लाने के लिए। छठा साल है नबूवत का, आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद कितनी हो चुकी है? 39। तो 40वीं जो हस्ती मुसलमान हुई उस हस्ती का नाम फारूक आदम रदी अल्लाह तआला। और आपके बारे में आता है जब आप मुसलमान हुए ना, आप जब ईमान लाए तो अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी इस्लाम को अजमत अता फरमाई कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व ताला ने आयत नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, अब अल्लाह तबारक व ताला आपके लिए काफी है और आपकी पैरवी करने वाले मोमिनीन आपके लिए काफी हो जाएंगे। जब ये हस्ती ईमान लाई, और उलमा फरमाते हैं कि आप मुरीदे रसूल भी हैं और मुरादे रसूल भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद तो हैं मुराद भी हैं। मुरीद और मुराद में फर्क क्या होता है? ये बड़ा प्यारा फर्क है। देखिए मुरीद वो होता है जो मुर्शिद की बारगाह में खुद चलकर आता है, खुद चलकर मुर्शिद की बारगाह में आने वाले को मुरीद कहते हैं। और मुराद उसको कहते हैं कि जिसको मुर्शिद मांग कर लेता है। तो फारूक आदम रदी अल्लाह तआला हो वो हस्ती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से आपको मांग कर लिया है, तो आप मुरादे रसूल भी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जरा अंदाजा लगाएं
कि वो हस्ती जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब से मांग कर लिया, उसकी शान क्या होगी, उसका मकाम क्या होगा। आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला की ईमान के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। ये दुआ फरमाने से पहले के हालात कैसे थे, मुसलमानों पर मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन किस कदर तंग हो चुकी थी, मुसलमानों को किस कदर अजियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही थीं। जो भी शख्स मुसलमान होता था वो अपने इस्लाम को छुपाता था। हुजूर अलैहिस्सलाम तबलीग फरमा रहे थे लेकिन छुप कर तबलीग करने का हुक्म था, अलल ऐलान तबलीग नहीं हो रही थी। जो मुसलमान होते थे वो कलिमा पढ़ते थे लेकिन अपने मुसलमान होने का इजहार नहीं करते थे, क्योंकि अपने इस्लाम का इजहार करना उस वक्त ऐसा ही था गोया कि अपनी मौत को दावत देना। कुफार जान के दुश्मन बन जाया करते थे। उस कैफियत के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला को रब से मांगा, और वो कैफियत क्या थी, कितनी मुश्किल कैफियत थी, मक्कतुल मुकर्रमा में मुसलमानों के साथ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशरिकीन का रवैया कैसा था। बुखारी शरीफ के अंदर बल्कि एक हदीसी बात भी है, वो भी समाज करें कि कुफार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक करते थे। आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसी बात है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु इसको रिवायत करती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो ये अंदाजा लगाइए जरा कि कितनी मुश्किलों से, कितनी कुर्बानियों से इस्लाम हम तक पहुंचा है, और ये मुहसिनीन हैं, ये हमारे मुहसिन हैं कि जिन्होंने कुर्बानियां पेश करके हम तक इस्लाम को पहुंचाया है, और हमारे सबसे बड़े मुहसिन हुजूर अलैहिस्सलाम हैं। आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरीके से सताया गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करती है, बुखारी शरीफ की हदीस है। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली इंदल बैत, हुजूर अलैहिस्सलाम एक मरतबा बैतुल्ला शरीफ के करीब सहने काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु उसको रिवायत करती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम बैतुल्ला शरीफ के सहन में नमाज अदा फरमा रहे हैं। व अबू जहलिन व अस्हाबुन लहू जुलूसुन, और अबू जहल और इसके यार ये भी करीबी कहीं बैठे हुए थे, आपस में गप्पे लगा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलाम सहने काबा में बैतुल्ला शरीफ के करीब नमाज अदा फरमा रहे हैं। इन क़ाला बादुहुम लिबादिन, इनमें से एक शख्स ने कहा, ये जो काफिर बैठे हुए थे, काफिरों का टोला अबू जहल एंड कंपनी जो बैठी हुई थी, इनमें से एक शख्स ने कहा, अय्युकुम यजीउ बिसला जज़ूरी बनी फुला, अबू जहल या इसके यारों में से किसी ने कहा कि तुम में से कौन है कि जो एक काम करे, वो फुला कबीला जो है उसके अंदर ऊंटनी की एक ओजड़ी रखी हुई है जिसके अंदर क्या होती है, गलाजत होती है, गंदगी होती है, ऊंटनी की एक ओजड़ी रखी हुई है, तुम में से कौन है कि जो उस ओजड़ी को उठाकर लाए, फयदाउहु अला दहरी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा सजदा, और लाकर क्या करे। आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगा कि जब ये सजदे में जाए ना तो वो ऊंट की ओजड़ी लाकर इनकी पुश्त पर रख दे, ये काम कौन करेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान फरमाते हैं, फम बअथा अशकल कौम, लोगों में से जो सबसे बड़ा बदबख्त था ना वो गया, फजा बिही, और ऊंट की ओजड़ी उठाकर ले आया, फनादारा इंतजार करता रहा, हत्ता इदा सजद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया ना, वदाअहु अला ज़हरिही बैन कतिफैही,
उस बदबख्त ने उस ओजड़ी को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की पुश्त पर दोनों कंधों के दरमियान जहां मोहरे नबूवत है ना वहां लाद दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान करती हैं, वाना अंदुरु ला उहनी शैअन लौ कान ली मनअतुन, फरमाती हैं कि मैं ये मंजर देख रहा था लेकिन इतनी ताकत नहीं रखता था। वो बहुत बड़े गुंडे थे भाई, बहुत बड़े गुंडों का नाम अबू जहल एंड कंपनी है। फरमाते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं रोक पाता। तो जब सबसे बड़े बदबख्त ने ये काम कर लिया ना, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सजदे में है और लाकर ओजड़ी हुजूर अलैहि सलातो सलाम के पुश्त पर जब डाल दी, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फजअलू यदहकूना व युहीदु बअदुहुम अला बअद। तो वो सारे बदबख्त जो बैठे हुए थे अबू जहल एंड कंपनी, वो ये सारा मामला देखकर इस कदर खिल खिल कर हंसने लगे कि हंस हंस कर एक दूसरे पर लौट रहे थे, मजाक उड़ाने लगे। याद रहे कि किन की बात हो रही है, ये सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का तज़किरा हो रहा है। आकिदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को किस किस तरीके से सताया गया, अबू जहल और इसके यारों ने कैसे कैसे जुल्म सितम किए। अकैदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ये कैफियत देखकर वो सारे हंसने लगे और एक दूसरे पर लोट पोट होते। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साजिदुन ला यरफाउ रअसा, अकैदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सजदे ही की हालत में थे, अपना सर नहीं उठा पा रहे थे। हत्ता जाअतहु फातिमा, यहां तक कि हजरते खातून जन्नत फातिमा जहरा रदी अल्लाह अन्हा तशरीफ ले आई। उस वक्त आप कुछ छोटी उम्र की थी, बच्ची थी। हजरते खातून जन्नत फातिमा जहरा रदी अल्लाह अन्हा आप तशरीफ लाई, फताराहत अन जहरी, हुजूर अलैहि सलातो सलाम की पुश्त से अपने नन्हे हाथों के साथ हजरते खातून जन्नत रदी अल्लाह अन्हा ने उस उजड़ी को हटाया। फराफा रक्सहु, तो हुजूर अलैहि सलातु सलाम ने अपना सर उठाया और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने दुआए जलाल फरमाई, दुआए जलाल। और हुजूर अलैहि सलातु सलाम की दुआ सुभान अल्लाह, कुरान कहता है ला तजअलू दुआ अर रसूल बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा। मुफस्सिरीन ने लिखा यहां पर दुआ से मुराद एक माना ये बयान किया गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का दुआ करना है। रब फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दुआ को आपस में जो तुम दुआएं करते हो उन दुआओं की तरह ना समझना, ये हाथ जब उठ जाया करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमा लिया करता। अकीदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को जलाल आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने रब की बारगाह में इल्तिजा किया, अल्लाहुम्मा अलैक बि कुरैश, ए मालिक इन कुरैश को पकड़ ले। सलात मर्रातिन, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने 3 मरतबा ये कलिमात कहे। फिर आकाइदु आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने वो जो बदबख्त लोग बैठे थे ना जिन्होंने ये हरकत की, हुजूर अली सलातो सलाम ने उनमें से एक एक का नाम लेकर बद्दुआ की, एक एक का नाम लिया। हुजूर अली सलातो सलाम ने दुआ की अल्लाहुम्मा अलैका बि अबी जहलिन व अलैका बि उतबा व शैबा वल वलीद व उमैया व उकबा। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 6 का नाम हुजूर अली सलातो सलाम ने लिया, सातवें का भी लिया लेकिन सातवां मेरे जहन से निकल गया कि वो सातवां कौन था। 7 अफराद का नाम लेकर हुजूर अलैहि सलातु सलाम ने दुआए जलाल फरमाई। फिर हुजूर अलैहि सलातु सलाम ने दुआ फरमाई थी ना, हुजूर अलैहि सलातु सलाम को सताने वाले लोग थे। फिर हुआ क्या, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं, फवल्लदी नफ्सी बियदिही लकद राईतुल्लदीन अद्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरआ फिल क़लीब क़लीब बद्र। फरमाते उस की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, वल्लाह अल्लाह की कसम
बेशक मैंने उन सारे लोगों को कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी थी, उन सारे लोगों को बदर के दिन बदर के कुएं के अंदर मरे हुए पड़े मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनको ये उनकी कैफियत हुई, वो सारे के सारे बदर के अंदर मारे गए, उठाकर बदर के कुएं के अंदर सबको डाल दिया गया। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि मैंने वो मंजर भी देखा था, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमा दी फिर मैंने ये मंजर भी देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह तबारक तआला कैसा कबूल फरमाता है। तो ये है दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हाथ उठ जाते हैं फिर अता हो जाती है। तो ये कैफियत थी उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह सताया जाता था। ये तो एक झलक है, बहुत सारे वाकयात तो ऐसे हैं कि जो बयान करने से बाहर बयान नहीं हो सकते। फिर मुसलमानों के साथ क्या किया जाता था, उनको उनको किस कदर तकलीफें पहुंचाई जाती थी। जब ये कैफियत हुई ना, 39 मुसलमान हो गए। अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि काफिरों का जुल्म बढ़ता चला जा रहा है, मुसलमानों पर ज्यादती बढ़ती चली जा रही है, अब अकैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इंतिखाब ने एक शख्सियत को मुंतखब कर लिया कि इसको अपना गुलाम बनाना है। फिर अकैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। तिर्मिजी शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे, वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज्जिल इस्लाम बि अहब्बि हादैन अर्रजुलैन इलैक बि अबी जहल औ बि उमर इब्न अल खत्ताब क़ाल व काना अहब्बुहुमा इलैहि उमर। अकैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, रात का वक्त था, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ क्या फरमाई, ए मालिक इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा, इन दो लोगों में से जो तुझे पसंद है, जिससे तू मोहब्बत फरमाता है, जो तेरी बारगाह में मकबूल है, जो तेरा पसंदीदा है, उसके इस्लाम लाने के जरिए से मौला इस्लाम को इज्जत अता फरमा। तो सारे लोग वो हैं कि जो इस्लाम में आए तो इस्लाम ने उन्हें इज्जत दी, लेकिन हजरत फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं कि इनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को इज्जत अता फरमाई। तो आकए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि मालिक ये जो दो नाम है, अबू जहल का नाम लिया, फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, बोला इनमें से जो तेरा पसंदीदा है ना, जिससे तू मोहब्बत फरमाता है, तो पता चला फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, मौला जिससे तू मोहब्बत फरमाता है उसके जरिए से इस्लाम को इज्जत अता फरमा। इधर हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं, उधर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, अबू जहल के पास बैठे हैं, दीगर कुफार भी बैठे हैं, परेशान है सारे काफिर। उनको खबर पहुंची है कि 39 मुसलमान हो गए हैं, मुसलमानों की तादाद ऐसा ऐसा बढ़ गई, तो वो बैठकर सोच रहे हैं कुछ ऐसा किया जाए इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। तो उसका एक ही तरीका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। अबू जहल ने ऑफर रखी, ऑफर रखी कि कौन है कि जो जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दे, जो ये काम करेगा मैं उसे 100 ऊंट दूंगा, इतने औकिया सोना दूंगा, ये इनाम दूंगा। फारूक आदम रजी अल्लाह तआला ने उस वक्त मुसलमान नहीं हुए, अबू जहल के साथ बड़ी यारी थी, अबू जहल को कहने लगे कि ये जो ऑफर तूने दी है ये पक्की बात है, इतना दोगे? वो कहने लगा दूंगा, उधार तो नहीं करोगे? नहीं, उधार नहीं करूंगा। फारूक आदम रजी अल्लाह तआला ने उठे, अपने तलवार उठाई और निकले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह शहीद करने के इरादे से। लेकिन उधर हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ फरमा चुके थे, आकैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठ चुके थे। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलाल के साथ, अच्छा इनका रोब बड़ा था, इनका दबदबा बड़ा था, ये जा रहे हैं बड़े जलाल के साथ, तलवार हाथ में उठाए हुए हैं, एक शख्स से मुलाकात हो गई। उसने पूछा किधर जाते हो? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि मैं मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए जा रहा। वो कहने लगे कि
मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में शहीद करना, पहले जाकर अपने घर की खबर तो लो, मैंने सुना है तुम्हारी बहन तुम्हारा बहनोई वो दोनों मुसलमान हो गए हैं, दोनों हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम बन गए। अब फारूक आदम रजी अल्लाह तआला को और ज्यादा जोश और जज्बा और गुस्सा आया, आप उधर जाने की बजाय अपनी बहन के घर चले गए। जब दरवाजे पे पहुंचे ना तो सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुछ पढ़ने की आवाज आ रही है, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से पूछा गया कौन, बताया उमर। जब नाम सुना तो डर गए, तो वो जो सफहात थे कुरान पाक के उनको छुपा दिया गया। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अंदर तशरीफ लाए तो आपने जलाल से पूछा अपने बहनोई से, मैंने सुना है तुम मुसलमान हो गए। उन्होंने इकरार किया तो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे ना, मारना शुरू कर दिया। बहन आगे आई, बहन को भी मारा, बहन को जख्मी कर दिया। जब जख्मी कर दिया ना तो आपकी बहन ने फरमाया कि अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, सुन ले मैं कलिमा पढ़ चुकी हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर चुकी हूं, अगर तू कुफर को नहीं छोड़ सकता तो मैं इस्लाम को कैसे छोड़ू, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती, अलल ऐलान कहती हूं कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं। जब फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा कोई ठंडा हुआ ना तो आपने फरमाया कि अच्छा मैं जब दरवाजे पर आया था कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी, तो आपकी बहन बोली कि वो कुरान है, आसमानी किताब है, नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हो रही है। फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि लाओ वो किताब मुझे भी दिखाओ। तो आपकी बहन बोली कि नहीं, नापाक लोग उस किताब को छू नहीं सकते, पहले गुसल करो या वुजू करने का कहा। फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तहारत हासिल की, फिर आपके हाथ में वो सफहात दिए गए और उनके ऊपर सूरे ताहा की आयतें लिखी हुई थी। जब आपने कुरान पढ़ा ना तो जाहिर और बातिन चेंज हो गया, उधर हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ असर कर रही है, इधर कुरान के अल्फाज असर कर रहे हैं, अब चेहरा बता रहा है कि अंदर की कैफियत चेंज हो चुकी है। अब पूछते हैं अपनी बहन से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मिलेंगे, आपने बताया कि जाओ दारे अरकम, वहां हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ मौजूद है। अब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला आप जब निकले ना तो सफा पहाड़ी के साथ ही वो मकाम था दारे अरकम, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबे किराम अली रिज़वान के साथ मौजूद थे। और जब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला को आता देखा सहाबे किराम ने तो डर गए, बड़े जलाल में आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला से 3 दिन पहले हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला भी मुसलमान हो चुके थे, वो भी हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर चुके थे और उनका भी बड़ा नाम था, उनका भी बड़ा दबदबा था, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की पहरेदारी पर खड़े थे। वो मुसलमानों को पीछे हटा कर कहने लगे कि आने दो उमर को, अगर तो खैरियत के इरादे से आया है तो ठीक, और अगर इरादा कुछ और है तो उसी की तलवार से उसका सर उसके तन से जुदा कर दूंगा, आने दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हट जाओ, उमर को आने दो, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो दुआ फरमा चुके थे। अब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु आए तो जब सहन के अंदर पहुंचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के गरीबान से कपड़े को पकड़ा, बाद रिवायतों में आता है कि आस्तीन को पकड़ा, बाद रिवायतों में आता है कि गरीबान को पकड़ा या पल्लू को पकड़ा, बाहर कपड़े को पकड़ा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर तुझे क्या है कि तू कलमा नहीं पढ़ता, मुसलमान नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलाम का इतना फरमाना था कि फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर ली। हुजूर अलैहिस्सलाम के जब आप गुलाम बने, जब आपने कलमा पढ़ा तो मुसलमान इस कदर खुश हुए कि मुसलमानों ने दारे अरकम के अंदर रहते हुए इस कदर अल्लाह अकबर का बुलंद आवाज से नारा लगाया कि हरम काबा के अंदर जो काफिर मौजूद थे उन तक भी आवाज पहुंच गई, उन्होंने भी सुना कि मुसलमानों ने इस कदर बुलंद आवाज से नारा लगाया है। फिर फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु इनका जलाल बड़ा अजीब था, जलाल बड़ा अजीब था, इस्लाम से पहले भी बड़ा जलाल था, फिर मुसलमान हो गए, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम हो गए, फिर तो आपके जलाल की कैफियत ही कुछ और थी, सारे मुसलमान हुए, लेकिन इनका इस्लाम लाने का अंदाज ही अलग है। मुसलमान हुए ना तो अब इन्होंने सोचा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम हो गया हूँ, अब जरा लोगों को पता तो चले कि मैं गुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार कर चुका हूं, मेरी ये बात छुपी ना रहे, सबको पता चले। इससे पहले मुसलमान जो मुसलमान हो रहे थे उन्हें हुक्म क्या था, इस्लाम को छुपा के रखना है।
इस्लाम को जाहिर करना गोया कि अपनी मौत को दावत देने वाला मामला था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने वो सारी तदबीरें इख्तियार की जिससे लोगों को पता चले कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम बन चुके हैं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने उनमें से एक तदबीर इख्तियार की, वो क्या थी? आप गए अबू जहल के दरवाजे पर, डील करके आए थे उससे, अबू जहल के दरवाजे पर गए, जाकर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया और आकर जब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने चेहरे को देखा ना, तो फौरन खुशी के मारे कहने लगा, हाँ उमर क्या खबर है? फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने सीना तान कर जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी को इख्तियार कर चुका हूँ, मुसलमान हो चुका हूँ। उसके मुंह पर जाकर उसे सुनाया कि मैं मुसलमान होकर आ गया हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार करके आ गया हूँ। अब वो अबू जहल था, जाहिलों का बाप था, पहले अबुल हिकम था, वो हिकमतों का बाप उसे कहा जाता था, लेकिन जब हुजूर अलैहिस्सलाम की दुश्मनी इख्तियार की ना तो अबू जहल हो गया। अब जब उसे पता चला ना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने मुसलमान हो गया, कर तो कुछ सकता नहीं था, गुस्से के मारे दरवाजा बंद किया, अंदर चला गया। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने एक और तदबीर इख्तियार की। आपकी ये ख्वाहिश थी कि मैं मुसलमान हुआ हूँ, मक्के के काफिरों को, मुशरिकीन को, दुश्मनाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलना चाहिए कि उमर मुसलमान हो गया है, उमर ने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया है। एक शख्स था मक्कातुल मुकर्रमा में, उसका नाम था जमील बिन मानर, और ये जरा पेट का हल्का था, इसके पेट में बात नहीं रहती थी, होते ना कुछ लोग जिनके पेट में बात नहीं रहती, ये भी ऐसे ही था। ऐसे लोगों के नुकसानात भी बहुत होते हैं और कभी कभी फायदे भी होते हैं। फायदे क्या होते हैं? जब कोई बात, कोई खबर उड़ानी हो ना तो ऐसे बंदे तक पहुंचा दो खबर उड़ जाती, तो ये शख्स वैसे ही था, खबर उड़ाने वाला था, पेट का कच्चा था। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने इसके पास गए, जमील बिन मामर के पास गए, और जाकर कहने लगे, देखो तुम्हें पता है कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। आप मुसलमान हो गए? फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हाँ मैं मुसलमान हो चुका हूँ। देखो ये बात किसी को बताना नहीं, बहुत बड़ी खबर है, मैंने तुम्हें दे दी है, किसी को बताना नहीं। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने जानते थे कि ये पेट का हल्का है, ये हर हर घर के अंदर जाएगा और जाकर ये खबर फैलाएगा कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने मुसलमान हो गए। चुनाचे जब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने उसको बताया ना, तो उसने पूरे मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर यह खबर पहुंचा दी कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने मुसलमान हो गए। मुसलमानों को कैसी इज्जत अता हुई? उस वक्त मुसलमान हबशा के अंदर, बाद मुसलमान हिजरत कर गए, तो हबशा के अंदर ये खबर पहुंची, इधर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने अकेले मुसलमान हुए, 40वें मुसलमान है। हबशा के अंदर मुसलमानों को ये खबर पहुंची, आपका ईमान किस कदर मोतबर था और किस कदर इस्लाम के लिए इज्जत का बायस बना, हबशा के अंदर मुसलमानों को ये खबर पहुंची कि पूरा का पूरा मक्का मुसलमान हो गया है, आप एक मुसलमान हुए, तो गोया कि आपका इस्लाम इस कदर वजनी, इस कदर वकायत का हामिल था। तो आपने हर वो हीला इख्तियार किया जिससे लोगों को पता चले कि उमर क्या हो गए हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम बन गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, पहले इबादत होती थी छुप कर, अकैद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हक पर नहीं हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हक पर है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ अल्लाह के सच्चे नबी हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हम हक पर हैं, तो हम फिर छुप कर इबादत क्यों करते हैं? हम आज से खुल कर अलल एलान काफिरों के सामने जाकर इबादत करेंगे। ये आपके इस्लाम लाने के बाद का वाकया है कि जब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने अर्जी पेश की ना, तो आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमा दी, फिर दो लाइनें बनी मुसलमानों की। ये वो इज्जत, ये वो शान थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आजम रजी अल्लाह तआला के जरिए से मुसलमानों और इस्लाम को अता फरमाई। दो लाइनें बनी, एक के सामने फारूक आजम रजी अल्लाह तआला होते और दूसरी लाइन के आगे आगे हजरत सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला होते। दोनों ने तलवारें निकाली हुई थी और मुसलमान यूं लाइनें बनाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ हरमे काबा के अंदर गए और पहली मरतबा हरमे काबा के अंदर अलल ऐलान अल्लाह ताला की इबादत की गई। ये फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का जोश जज्बा था, ये फारूक आजम रजी अल्लाह तआला का इस्लाम लाने का ये अंदाज था। फिर काफिरों के अंदर जब शोर मचाना, क्यों हो मुसलमान अलल ऐलान इबादत करने के लिए आए हैं? तो बड़े बड़े सूरमा
बड़े बड़े नामवर जो मक्कतुल मुकर्रमा के मुशरिकीन थे, वो आए मुसलमानों को रोकने के लिए। जो भी सामने आता तो सामने देखा, देखता एक तरफ क्या देखता है, हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरी तरफ देखता फारूक आदम रदियल्लाहु तआला अन्हु। अब चेहरा देख कर उधर ही हक्का पक्का रह जाता, आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना होती, क्यों? आपका जलाल ही बड़ा था, आपका जलाल ही बड़ा, आपकी हिजरत भी बड़ी बाकमाल है, बल्कि आपका जलाल तो ऐसा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, ये तो इंसान है ना इंसान। हजरत फारूक आदम रदियल्लाहु तआला अन्हु का जलाल ऐसा है कि तिर्मिजी शरीफ की हदीस पाक है, आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, इन्नी लअंजुरु इला शयातीन अलजिन्न वलइंस कद फरु मिन उमर। हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं जिन्नों और इंसानों के शैतानों को देख रहा हूं। देख, इससे यह भी पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम की निगाह वो चीज भी देख लिया करती है जो आम इंसान देख, हमें जो चीजें नजर नहीं आती, शैतान नजर आता है किसी को, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम देख लेते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम की निगाह जब आम निगाहों की तरह नहीं, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम का वजूद आम वजूदों की तरह कैसे हो सकता है? वाकई तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी लअंदुरु इला शयातीन अलजिन्न वलइंस, मैं इंसानों और जिन्नात के शयातीन को देख रहा हूं, वो मेरे फारूक को देख कर भाग जाया करते हैं। शैतान फारूक आजम को रदियल्लाहु ताला अन्हु को देख कर भाग जाया करते थे, ऐसा जलाल। उलमा फरमाते हैं कि फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को देख कर तो शैतान भागा करते थे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं, आज अगर इंसानों के शैतानों को भगाना होना तो उसका जरिया फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र है। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु का जहां जिक्र करोगे, वहां इंसानों में से अगर कोई शैतान बैठे होंगे भाग जाया करेंगे। ये फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र की अजमत है, फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र की ये जलालत है। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ काना नबियुम बादी, अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता, फरमाया लकान उमर बिन खत्ताब, तो वो फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु होते। तो मेरे बाद कोई नबी, से ये भी पता चला कि जब फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी नहीं हो सकते, तो फिर दूसरा कोई कहीं का काना हो और वो ऐलान नबूवत कर दे, नबी होने का ऐलान कर दे, तो वो कैसे नबी बन सकता है जब फारूक आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती मौजूद होने के बावजूद नबी नहीं बन सकती थी? क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया, ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ऐसे प्यारे साहबी हैं, एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वसलाम तशरीफ फरमा थे और आकाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कब्र का, कब्र का जिक्र हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मशहूर किताब है अर रियादुन नज़रा फी मनाकिबिल आशरा, सफ़ा नंबर 346 पर ये रिवायत मौजूद है कि हुजूर अलैहि सलाम ने कब्र का जिक्र किया कि जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर कहा जाता है, एक को नकीर कहा जाता है। वो जो मुनकर नकीर कब्र में आते हैं ना, उनकी शक्ल व सूरत, उनकी हैबत को हुजूर अलैहि सलाम ने बयान फरमाया, उनकी हैबत, उनकी शक्ल व सूरत ऐसी होगी कि उनकी निगाहें नीली होंगी, उनके मुंह, उनकी आंखों से आग निकल रही होगी, इंतहाई हैबतनाक सूरत होगी, उनके बाल उनके पाँव तक लंबे होंगे और नाखून उनके इस कदर लंबे होंगे कि वो नाखूनों से जमीन को चीरते हुए मैयत के पास आकर बैठ जाएंगे और सख्ती के साथ उसको उठाकर बिठाकर फिर उससे सवाल करेंगे। ये मुनकर नकीर की जलालत का बयान हो रहा है, उनकी हैबत का बयान हो रहा है। फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे, जब हुजूर अलैहि सलाम ने उनकी हैबत का जिक्र फरमाया ना, फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मामला क्या होगा जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरे पास भी मुनकर नकीर आएंगे तो क्या होगा? इससे एक और बात भी पता चली कि ये फारूक आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु कहाँ पूछ रहे हैं, दुनिया के अंदर। अभी कब्र में गए तो नहीं है ना, कब्र में जाना है, फिर कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर ने कब्र में आना है, ये मुस्तकबिल की बात है। ये खलीफतुर रसूल हैं,
अमीर उल मोमिनीन हैं, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में कैसा अकीदा रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकबिल की खबरें दे सकते हैं, और फिर जमीन के ऊपर की खबरें नहीं जमीन के अंदर की खबरें भी दिया करते हैं। राकिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं कब्र में जाऊंगा तो मेरी कब्र में भी मुनकर नकीर आएंगे, कैफियत क्या होगी? आकाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, उमर तुम्हारा मामला ही जुदा होगा, तुम्हारा अंदाज ही जुदा होगा। जब तुम्हारी कब्र में मुनकर नकीर सवाल करने के लिए आएंगे तो अभी वो सवाल करने ही लगेंगे कि तुम उन पर सवाल कर दोगे और तुम कहोगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो सवाल करने लगेंगे तुम उन पर सवाल कर दोगे, तुम कहोगे अल्लाहु रब्बी फमन रब्बुकुमा, अल्लाह तबारक व तआला मेरा रब है, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अभी एक सवाल की बात है, दूसरे सवाल की बारी आएगी और तुम कहोगे वह मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है, फमन नबीयुकुमा, तुम बताओ तुम्हारे नबी कौन है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फिर तुम कहोगे वल इस्लामु दीनी, इस्लाम मेरा दीन है, फमा दीनुकुमा, तुम बताओ तुम दोनों का दीन क्या है। तो ऐ उमर, तुम्हारी कब्र में जब मुनकर नकीर आएंगे तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, वो सवाल करने के लिए आएंगे, उनको जवाब देने पड़ जाएंगे। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फयकूलानी, जब उनके साथ मुनकर नकीर के साथ ये कैफियत पेश आएगी ना, तो वो दोनों कहेंगे, क्या कहेंगे, वाह अजबा, कैसी ताज्जुब की बात है, क्या कमाल शख्सियत आई है कब्र में। कब्र में तो हर किसी ने जाना है, लेकिन देखें फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान भी देखें, और ये शान बयान कौन कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम, और फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के कब्र के अंदर जाने से पहले की बात हो रही है, दुनिया के अंदर उन्हें बताया जा रहा है जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हारी कैफियत ये होगी। और फिर फरिश्ते जवाबन कहेंगे, क्या फरिश्ते कहेंगे, वाह अजबा, क्या ताज्जुब की बात है, क्या हस्ती आई है, क्या शख्सियत आई है, मा नदरी नहनु उर्सिलना इलैका अम अंता उर्सिलता इलैना, हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि हमें तुम्हारे पास सवाल करने के लिए भेजा गया है या तुम्हें हमारे पास सवाल करने के लिए भेजा गया है। ए फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब तुम्हारी कब्र में मुनकर नकीर आएंगे तो कैफियत ये होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने वो शान अता फरमाई फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, कि आपके बारे में आता है कि आपने 10 साल 6 महीने गालिबन 4 दिन हुकूमत फरमाई, और इस कदर इस्लाम के उरूज का वो दौर गुजरा। फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना था, ऐसा मुकद्दस, ऐसा प्यारा ज़माना, इस्लामी फतूहात का ज़माना, कि इस्लाम बहुत फैला, बड़ी फतूहात हुई फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक ज़माने में। फिर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल 6 माह 4 दिन आप मनसब खिलाफत पर फायज रहे। फिर आपको फजर की नमाज में जमात करवाते हुए, इमामत करवाते हुए, मस्जिद नबवी शरीफ है, मुसल्ले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसल्ले रसूल पर आप इमामत फरमा रहे हैं। अबुल उलू फिरोज, ये बदबख्त ऐसा शख्स था जिसने फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की हालत में खंजर मारकर शहीद किया, खंजर मारा, आप जख्मी हो गए। फिर जख्मी रहे हजरत फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उसी के सब से फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत फरमाई। और जब आप जख्मी थे ना, तो आपने अपनी एक तमन्ना, एक ख्वाहिश का इजहार किया, आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनको भेजा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा के पास, बेटे को भेजा कि जाओ, जाकर अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा उनसे अर्ज करो कि फारूक आजम की इल्तिजा लेकर आया हूँ, उनकी ये ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि जब उनका विसाल हो, जब वो इंतकाल कर जाएं, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के साथ उन्हें दफन किया जाए, क्योंकि वो हुजरा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा है, जो रोज़ा रसूल है ना, वो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का हुजरा मुबारक है। हुजूर अलैहिस्सलाम पहले वहाँ आराम फरमा रही थी, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी आराम फरमा रहे थे, इनकी ख्वाहिश थी कि साथ मुझे भी आराम करने की जगह मिल जाए, तो इजाजत के लिए अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा।
वो आए हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यिबा रदी अल्लाह अन्हा इनसे इजाजत मांगी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा आपने इजाजत अता फरमा दी। जब इजाजत अता फरमाई ना तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाकर आपकी बेटी अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने बताया कि इजाजत मिल गई है। फिर आपने वसीयत फरमाई, आपने फरमाया कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं, दोबारा जाना, इंतकाल कर जाऊं, मुझे दफन पहना दिया जाए, सारे मामलात हो जाए, मुझे जब तैयार कर लिया जाए ना दफन के लिए, फिर दोबारा जाना अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा के पास और जाकर फिर इजाजत तलब करना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मनसबे खिलाफत के सबब हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा ने मुझे इजाजत दे दी हो, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए मेरे इंतकाल के बाद दोबारा जाना और जाकर दोबारा से इजाजत तलब करना, अगर इजाजत मिल जाए तो मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर देना। तो फिर दोबारा हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद गए, जाकर इजाजत मांगी, फिर इजाजत मिल गई तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर दिया गया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनकी शान को यूं बयान फरमाया, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा तो सबसे पहले जिसकी कब्र को खोला जाएगा वो मैं हूं, और फिर दूसरे नंबर पर सिद्दीक अकबर की कब्र को खोला जाएगा, तीसरे नंबर पर फारूक आजम की कब्र को खोला जाएगा, और हम इस शान से मैदान हशर की तरफ चलेंगे कि मेरे एक हाथ में सिद्दीक का हाथ होगा और दूसरे हाथ में फारूक का हाथ होगा। ये शान है हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा करम फरमाया। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे, हर गजबे में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ शरीक रहे, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज रोजे रसूल के अंदर आराम भी फरमा रहे हैं, हशर में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। तो ये ऐसी मुबारक ऐसी प्यारी हस्तियां हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की हकीकी मोहब्बत नसीब फरमाए। इनके जिक्र के अंदर जो जो लोग जहां जहां शरीक हुए, मेरी दुआ है मौला अज़्ज़ा वजल फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का सदका, जो जो इस महफिल के अंदर जहां जहां जिस जिस तरीके से शरीक हुआ, मौला अपनी शान के मुताबिक उसे अजर अता फरमाए, उसके दिल में जो जायज ख्वाहिश है फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का सदका उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। और मेरी खास दुआ है उन अहबाब के लिए कि जो हर संडे को ये महफिल सजाते हैं, सही है कि मैं अक्सर इनका जिक्र इसलिए करता हूँ कि अभी तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, तकरीबन 1.5 साल होने वाला है कि ये अहबाब कोशिश करते हैं हर संडे को यहाँ लंगर बनाकर लेकर आते हैं, खिलाते हैं। मैंने आज तक इनसे नहीं पूछा कि पैसे कहाँ से लाते हो भाई, सही, लंगर कहाँ से बनाते हो, कौन देता है, किस तरह जमा करते हो, क्या सूरत हाल होती है, नहीं मैंने कभी नहीं। तो 1.5 साल हो गया और मैंने खुद इन 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 अहबाब को, ये जो खुदाम हैं, इनको मैंने खुद देखा है कि यूं देखें उठा उठा कर लंगर की बना कर लाते हैं। इनके लिए भी खास दुआ फरमाएं कि फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का सदका अल्लाह तबारक व तआला इनके रिज़्क में अपनी शान के मुताबिक बरकत अता फरमाए, बल्कि जो जो इस महफिल को सजाने के लिए जिस जिस तरीके से कोशिश करता है, मौला को अपनी शान के मुताबिक उन पर नवाजिशात अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका यहाँ जमा होना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा जी, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला आपका शेर है, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा, आदा कहते हैं दुश्मनों को, सकर नाम है जहन्नम का, जहन्नम का कुरान पाक में नहीं, मा साला का कुम फी सकर, मा साला ककुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में क्या चीज ले आई है, कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, वो जहन्नम में क्या कहेंगे, हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे। इससे पता चला कि नमाजें छोड़ने की वजह से जहन्नम में भी बंदे चले जाते हैं, तो नमाजें छोड़ना इतना हल्का ना लिया करें इसको, नमाजों की पाबंदी किया करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाजों की पाबंदी की भी तौफीक अता फरमाए। आला हजरत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, यानी वो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनके दुश्मनों की शैदाई है दोजख, के उमर के जो दुश्मन है ना ये मेरे अंदर आए, ऐसा जौक रखती है दोजख के उमर के जो
दुश्मन है वो मेरे अंदर आए और मेरे अंदर जले। तो दूसरा मिसरा क्या है? वो उमर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का मिजाज है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फारूक आजम रजी अल्लाह तआला की शान अपने अंदाज में बड़े प्यारे इरशाद लिखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आला हजरत का भी फैज अता फरमाए। ये फैज सारा आला हजरत का ही मिलता है, ये सारा फैज आला हजरत का ही है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके दामन से जो जुड़ा रहता है अकीदे के अंदर कभी वो इधर उधर नहीं हो सकता। आपने हर अंदाज में अकीदे सिखाए और बताए हैं और कुछ नए अकीदे नहीं बताए। आला हजरत ने वही 1400 साल पहले वाले अकायद को बिल्कुल साफ सुथरा करके हैं, जिनको जिन पर गुबार चढ़ाने की कोशिशें की गई थी, आला हजरत ने उन्हीं अकायद को बिल्कुल साफ सुथरा करके उम्मत तक पहुंचाया है। ये फैज है आला हजरत का। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह का फैज भी अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। फारूक आदम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर किया गया, अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक इसका अजर अता फरमाए। जिन्होंने लंगर के लिए इहतमाम किया अल्लाह तबारक व तआला उनको भी अजर अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी इंशाल्लाह जब खत्म शरीफ पढ़ा जाएगा। अच्छा, खत्म शरीफ से पहले एक और मसला वो समाप्त कर लें। रोजे के हवाले से पूछा गया था, मुहर्रम और हराम के रोजों की बड़ी फजीलत है। मुख्तसर अर्ज करता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुहर्रम शरीफ में एक दिन का रोजा एक महीने के रोजों के बराबर है, एक दिन का रोजा। और फिर 10 मुहर्रम और हराम तो हुजूर अलैहिस्सलाम खुद रोजा रखा करते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस रोजे के रखने का भी हुक्म इरशाद फरमाया। तो 10 मुहर्रम और हराम का रोजा खुद भी रखें और इसके साथ एक और चीज भी, 10 मुहर्रम का रोजा रखें तो साथ 9 मुहर्रम का रोजा भी शामिल कर लें। और अगर 9 मुहर्रम का रोजा शामिल ना कर सके तो 10 मुहर्रम के साथ 11 मुहर्रम और हराम का रोजा भी शामिल कर लें। यानी कम से कम 2 रोजे रखें, 10 के साथ एक रोजा शामिल कर लें, या 9 का शामिल कर लें या 11 का शामिल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माह मुहर्रम और हराम की बरकत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।